को ललमटिया थाना क्षेत्र में नसरत खानी में राजेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मृतक राजेश कुमार की बहन रेजी देवी के आवेदन पर नाथनगर ललमटिया थाना कांड संख्या 62/2022 दिनांक 29/1/22 धारा 302/34 IPC और आर्म्स एक्ट 27 के तहत केस दर्ज किया गया। फिर अनुसंधान प्रारंभ किए, अनुसंधान के क्रम में ही प्राथमिकी अभियुक्त रणवीर रंजन की गिरफ्तारी की गई। रणवीर रंजन के गिरफ्तारी के बाद उसका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया, जिसमें पैसे की लेन देन की बात कही गई थी और उसी पैसे के लेन देन के क्रम में ही उसको मरवाया गया था। रणवीर रंजन का जो स्वीकारोक्ति बयान आया और उसके बाद हम लोग तकनीकी अनुसंधान किए। तकनीकी अनुसंधान के बाद उसमें आज रात को एक हम लोग मेरे नेतृत्व में एक टीम बनाकर छापेमारी की गई, जिसमें राजीव कुमार पिता स्वर्गीय विदेशी यादव साहेबगंज ललमटिया का रहने वाला है उसको पकड़ा गया है, ठीक है, उसको गिरफ्तार किए हैं। इस टीम में मेरे अलावे SI मिथिलेश कुमार जो SHO हैं वहाँ के, उसके बाद राजरतन SI हैं, उसके बाद सिपाही बच्चन कुमार के नेतृत्व में इसमें टीम बनाई गई थी और हम लोग छापेमारी की। गिरफ्तारी कहाँ से की? इसकी गिरफ्तारी नवगछिया जिला से की गई है, ठीक है। अपराधकर्मी राजीव कुमार जो है इसके विरुद्ध पहले भी ललमटिया में एक केस दर्ज हुआ था, जो केस नाथनगर ललमटिया थाना कांड संख्या 306/17 दिनांक 2/17 का है, जिसमें वही मर्डर का ही चार्ज लगा था उसमें और आम सेट लगा था। किस तरह इसकी संलिप्तता है सर मर्डर में? सुपारी पिलर है या? हाँ, ये अभी जो पकड़ा गया राजीव कुमार ये सुपारी किलर ही है, जो है SHO दोनों के जॉइंट एफर्ट्स है। एक जो है मुदाले पकड़ा गया वहाँ पे और ये बेसिकली गांजा पेडलर्स का ये एक बेसिकली सिंडिकेट है। ये लोग जो है अगरतला से जो है गांजा लाते हैं और जो ये पर्टिकुलर पर्सन जो गिरफ्तार किया गया है जो कि चंदन कुमार है, पिता महेश्वर मंडल, उम्र लगभग 30 साल है, ये अगरतला से वाया ट्रेन और जो ट्रेन बोर्ड किया था वहाँ से वो हबीबगंज टू देवघर एक ट्रेन है वहाँ से चलती है और वहाँ पे एक ग्रुप डी ऑफिसर है रेलवे में, उनकी भी संलिप्तता इन्होंने मतलब उनके थ्रू ये लाए हैं यहाँ पे। और ये नौगछिया में इन्होंने ट्रेन से ये उतरे, डिबोट किए और इनके पास तकरीबन 3 किलो जो है गांजा सप्लाई करने के लिए वो अगरतला से आए थे और फिर इनको आज व्हीकल चेकिंग के दौरान इनको पकड़ा गया रामोलीपुर थाना अंतर्गत और उसके बाद फिर हम लोग ने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को मद्देनज़र रख के हम नाथनगर जो बिशनपुर है दियारा वहाँ पे हमने रेड किया और दूसरे मुदाले को भी हमने आज पकड़ा है। और जो ये चंदन कुमार है इनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, ये रंगदारी केस में मुफस्सिल थाना मुंगेर में इनके ऊपर जेल गए हैं 2021 में। शाकुंग थाना में ये वांछित हैं 257 केस नंबर में, ये चोरी का केस था, ट्रैक्टर चोरी का केस। और इनके निशानदेही पे जय किशोर मंडल को भी गिरफ्तार किया गया, दूसरे अभियुक्त जो कि गांजा में भी संलिप्त है और जो चोरी का केस था शाकुंग में उनके उसमें भी ये संलिप्त थे। और एक गाड़ी भी सीज किया गया है स्कॉर्पियो, जिसके द्वारा जो ये गांजा जो है वो डिलीवरी करने जा रहे थे। तो इन दोनों को पकड़ा गया है और हम लोग अभी पुलिस जो है जो ये अगरतला का जो सिंडिकेट है नौगछिया से बिशनपुर से ग्यारह में, इसको हम लोग और भी लोग को चिन्हित कर रहे हैं और इसको शीघ्र अतिशीघ्र इसको जो है बस्ट किया जाएगा इस पूरे नगर।